अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो में आप लोगों से बहुत सारी बातें करने वाली हूँ। बहुत अर्सा हो गया हम लोगों ने बैठ के बातें नहीं की। हमारे साथ बातों में शरीक होने वाली है मेरी बहन महताब, एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम रियली सीरियस थिंग्स। वीडियो में मैंने महताब से कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछने, साथ में मैंने आप लोगों के साथ अपनी एक लाइफ अपडेट शेयर करनी है। ठीक है, ठीक है साहब। श्योर, तुम्हारी भी कोई लाइफ अपडेट है तो तुम शेयर करो। मेरी कोई लाइफ अपडेट नहीं है। ठीक है, सो मतलब मुझे यूट्यूब से रिलेटेड हम लोगों की लाइफ जो है सोशल मीडिया पे किस तरह से शो होती है, रियलिटी में किस तरह से होती है, जस्ट वॉन्ट टॉक अबाउट दो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुमसे ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, क्या तुम हमें बता सकती हो कि आफ्टर बिकमिंग अ सक्सेस ऑन यूट्यूब तुम्हारी लाइफ किस तरह से अफेक्ट हुई है, लाइक पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों चीज़ें बताओ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पॉजिटिव चीज़ें बताऊंगी, ठीक है। उसमें पॉजिटिव चीज़ तो पॉजिटिव ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई गेस आई शुड टॉक अबाउट द पॉजिटिव थिंग्स। और पॉजिटिवली आई थिंक इसने मेरी लाइफ को ऐसे अफेक्ट किया है कि आई कैन कनेक्ट विद मोर पीपल। मैं अपने आप पे ध्यान देती हूँ मज़ीद। मेरी थोड़ी बहुत जिस तरह एंक्शियस हरकतें होती हैं ना समटाइम्स, जो इंसान एंग्जाइटी में होता है, आई हैव बीन थ्रू इट अ लॉट, तो आई फील लाइक दे आर रिकवरिंग। मतलब आई कैन टॉक maybe not fluently but I have started to feel like there is a little bit of confidence I can develop it in myself, or I feel like that's a very positive thing kyunki I was struggling for it for so long, or I feel like obviously abhi bhi struggle mein hi hu, but I have improved I guess by 1 or 2% whatever it is, but it is an improvement, so I think that's a positive thing for me. Sahi hai. And what about negative? Negative thing ye hai, I have to be a lot self aware. Each and everything that I do online, it will affect many people. जो भी मेरी following है, it will be affecting them. ठीक है, तो I am very much careful कि what if I do something negative that is a part of my personality, but that affects someone else in a very negative way. अक्सर ऐसा होता है ना, लोगों को इतनी knowledge नहीं होती, but वो अंधे धुन blindly उन लोगों को follow कर रहे होते हैं जो उनको social media पर देखते हैं। बिल्कुल। But in reality वो लोग, मतलब for example मैं अपनी बात करूँ तो मैं सिर्फ अपनी life का एक aspect randomly share कर रही हूँ, बट कोई बंदा उसे नेगेटिव मोटिवेशन लेके कहे यार मैंने भी ऐसा ही करना है, हालांकि वो पर्पज़ नहीं है उस चीज़ का। ठीक है, इट्स जस्ट शेयरिंग योर लाइफ, शेयरिंग एनीथिंग, बट नेगेटिव मोटिवेशन कोई भी आपसे ले सकता है, तो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी नेगेटिव थिंग, और ये चीज़ मुझे बहुत स्केयर करती है। सही है। तो ओवरऑल पर्सनल लेवल पे लाइक डू यू थिंक इट हैज अफेक्टेड यू? पर्सनल लेवल पे बिकॉज आई हैव नॉट टेकन, मे बी आई एम नॉट टेकन इट टू सीरियसली, आई जस्ट नॉर्मली अपलोड वीडियोज, आई एम नॉट वेरी मच कंसिस्टेंट, तो इतना बड़ा मेरी लाइफ का पार्ट नहीं है यूट्यूब। मतलब ऑब्वियसली आई नो समटाइम्स आई हैव टू डू कॉन्टेंट व्हेनेवर आई एम गोइंग टू अ रेस्टोरेंट, मे बी आई जस्ट थिंक ऑफ मेकिंग अ फूड व्लॉग, कभी कभी सोच लेती हूँ, बट इट इज़ नॉट माई लाइफ। कुछ होते ना, आई एम नॉट अ ह्यूज कॉन्टेंट क्रिएटर, जिस तरह उनकी लाइफ का पार्ट है, जो कुछ उन्होंने करना है एवरी डे दे हैव टू क्रिएट कॉन्टेंट, आई एम नॉट वन ऑफ दोज पीपल। मे बी सम डे आई डोंट नो एट एनी पॉइंट आई माइट डिसाइड कि आई शुड गो फॉर दिस, बट वो पॉइंट अभी नहीं आया है। सो इस वक्त आई एम जस्ट, मे बी यू कैन कॉल मी अ पार्ट टाइम कॉन्टेंट क्रिएटर, और वेन एवर आई फील लाइक मेकिंग अ वीडियो आई डू इट एज पर माई ओन कन्वीनियंस। सही है। अच्छा, मेरा पता है क्या सीन है आजकल, लाइक बहुत टाइम मैंने रेगुलर कंसिस्टेंट वीडियोज बनाई हैं और डेली व्लॉग्स बनाए, एंड आई हैव मेड लिटरली लाइक अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम यूट्यूब बाय डूइंग डेली व्लॉग्स एंड ऑल, एंड द आई थिंक मेजर, मेरी जो मेजर सेविंग्स है ना वो हुई ही यूट्यूब की इनकम से हैं, जो मैंने गाड़ी भी खरीदी है, इवन जो कुछ भी मैंने फिलहाल तक किया है इससे किया, लेकिन इट्स लाइक अ लॉट ऑफ मनी। ठीक है, बट एट द ऑन द अदर साइड व्हेन आई सी इट, तो मैं जो हूँ ना बहुत अभी फिलहाल कंफ्यूज्ड हूँ, लाइक कि बंदा कब तक डेली व्लॉग्स बना सकता है यार, ये वो मैं इस वक्त उस तुम क्यों हंस रही हो? कुछ नहीं, मुझे वो मीम याद आ गया, वांट टू थैंक माय सेल्फ फॉर ऑल द सक्सेस। आई आल्सो वांट टू थैंक माय सेल्फ फॉर ऑल द सक्सेस बिकॉज़ आई वाज कंसिस्टेंटली मेकिंग व्लॉग्स फॉर लिटरली टू स्ट्रेट इयर्स। ठीक है, तो विच इज अ बिग थिंग। ठीक है, अगर आप रोज बना रहे हैं, लेकिन तीन हफ्ते के बाद वीडियोस बनाते हैं, लेकिन पता है उस वक्त मेरा मेन सोर्स ऑफ इनकम ही ये था। अब मैंने अपने सोर्स ऑफ इनकम को थोड़ा जो ना डाइवर्स कर दिया है, लाइक आई जस्ट वांट टू फोकस मोर ऑन माय बिजनेस, और मैं अपने बाकी क्लोथिंग ब्रांड भी बहुत वर्किंग कर रही हूँ, दो ऐसी चीजें जिन पर अभी मैं वर्किंग कर रही हूँ, इंशाल्लाह कुछ अर्से मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, बिकॉज पता है एड्स वाली जो मनी आ रही होती है ना वो बहुत सेफ होती है, आपको ऐसा फील होता है बस हर महीने आ रही है तो मुझे अपना आप बनाने के, लेकिन ऑनेस्टली अगर आप रोज रोज ब्लॉग्स बना रहे हो तो आप कब तक व्लॉग्स बनाओगे? जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं वो भी बूढ़े होंगे, मैं भी साथ साथ बूढ़े होंगे, तो लाइक लिटरली यू कैन नॉट वॉच व्लॉग्स फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, लाइक लिटरली यू कैन नॉट। मतलब कुछ लोग शायद देख लेते हो, लेकिन और पता है दैट इनकम इज नॉट रिलायबल, दैट इज नॉट रिलायबल, सो आई एम फोकसिंग मोर ऑन एस्टैब्लिशिंग माई बिजनेसेस। आई एम वर्किंग ऑन टू थिंग्स राइट नाउ, एंड इंशाल्लाह आई विल शेयर दोस थिंग्स विद यू गाइस। एक तो इंशाल्लाह 10-20 दिन में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। यार आजकल तो मतलब इतने तरीके आ गए ना घर में बैठ के पैसे कमाने के, लिटरली यू डोंट हैव टू बी अ यूट्यूबर टू मेक मनी, आप
बहुत कुछ कर सकते हैं. जैसे आजकल ये फॉर एवर लिविंग वाली प्रोडक्ट्स आई, मैं तुम्हें उस दिन भी बता रही थी कि फॉर एवर के साथ अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हो ना, इट्स अमेजिंग. आपको आपकी ऑडियंस होने की भी कोई जरूरत नहीं है, आपको क्या होता है अपने आपको एक्सपोज करने की कोई जरूरत नहीं है अगर आपको प्राइवेसी के इश्यूज बहुत ज्यादा है. और दूसरा ये कि इट गिव्स यू क्रेजी मनी. माई फ्रेंड शी इज डूइंग इट एंड शी इज लिटरली मेकिंग अराउंड 8 to 9 lakh पर मंथ, विच इज अ वेरी गुड अमाउंट. और सोशल मीडिया पर भी उसका इतना कोई सीन नहीं है. जरूरी नहीं, इस काम का बेस्ट बात यह है कि आपको जो है ना यूट्यूबर होने की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कॉन्टैक्ट डाल दूंगी सभा का, आप लोग उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो आपको गाइड कर देंगे अगर आप लोग वाकई सीरियसली इस चीज़ को लेकर चलना चाहते हैं. क्योंकि मैं बहुत सी ऐसी लड़कियों को जानती हूँ जो कि करती हैं. इसमें आपने सिर्फ इतना करना होता है, आपकी एक इनिशियल छोटी सी इन्वेस्टमेंट होती है, क्योंकि वो तो हर बिजनेस में होती है ना, तो आपको इसमें भी इन्वेस्ट करना होगा. स्टार्टिंग में आपने एक हल्की सी इन्वेस्टमेंट करनी होती है, उसके बाद वो आपको वर्कशॉप्स होती हैं, वो आपको गाइड करते हैं. और फॉर एवर लिविंग इज अ वेरी ट्रस्टेबल कंपनी यार, तुम भी अगर करना चाहो तुम कर सकती हो. इट्स लाइक 40 years old, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कहीं चली जाएगी, अभी शुरू हुई है तो खत्म हो जाएगी. इट्स वेरी स्टेबल और 160 से ज्यादा कंट्रीज में है इसकी हेड. आर यू डूइंग? आई वांट टू डू इट, बट मैं पहले अपनी लाइफ में और बहुत सारे काम कर रही हूँ, इस वजह से मैं इसमें शायद काम ना डालूं. लेकिन आई विल डेफिनेटली सजेस्ट यू, माय फ्रेंड इज डूइंग इट. सो व्हाट डू आई हैव टू डू फॉर? इट्स जस्ट दैट यू हैव टू इन्वेस्ट अ लिटिल अमाउंट इन इट, और उसके बाद आपने उनकी वर्कशॉप्स वगैरह लेनी होती है, और फिर आपकी जो इनर सर्कल वगैरह होता है उसको आपने अपनी प्रोडक्ट्स वगैरह सेल करनी है. तो इट्स जस्ट लाइक मार्केटिंग करनी है. इट्स लाइक मार्केटिंग करनी है, प्लस कमीशन बेस्ड होता है ये. इसमें ये नहीं होता कि आपने सारा स्टॉक एक साथ लेके रख देना है कि यार, जैसे मैं फर्स्ट कहीं क्लोथिंग का बिजनेस करती हूँ तो मुझे सारा स्टॉक एक साथ लेके रखना होता है. लाइक 10 lakh भी लगाने हैं तो 10 lakh एक साथ लगाने हैं. ये नहीं कि प्रोडक्ट्स होगी तभी मैं उसमें से पैसे निकाल के. इसमें ये सीन होता है कि आपने एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर दी, बस ठीक है, आपको वर्कशॉप्स होंगी, आपको गाइडेंस होगी. जब आप एक लेवल पे पहुंच जाते हो ना, आपको इतने सारे आपके इंटरनेशनल ट्रिप्स वगैरह स्पॉन्सर होते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हो. मुझे पता है तुम्हें नींद आ रही है, लेकिन दिस इज अ वेरी गुड आइडिया फॉर यू ऑनेस्टली इफ यू डू इट. तुम्हारी तो माशाल्लाह ऑडियंस भी है, तो तुम्हें सेल्स का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. तो स्किन केयर की इनकी रेंज है, हेयर केयर की रेंज है, बियर्ड ऑयल्स हैं, और बहुत सारी इनकी वेट लॉस के भी प्रोडक्ट्स हैं, और बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है, देर वेरी नाइस. मैं दूंगी, मैं डिस्क्रिप्शन में सभा का कॉन्टैक्ट डाल देती हूँ, आप लोग उनसे कॉन्टैक्ट करके ये काम आराम से कर सकते हैं. आपको कुछ अपनी तरफ से इतना करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी वर्कशॉप्स होंगी, आपको गाइडेंस मिलेगी प्रॉपर, आपको पता चलेगा कि आपने क्या क्या काम करना है. और ऑनेस्टली टेलिंग द वे माई फ्रेंड्स आर मेकिंग मनी आउट ऑफ इट, ऑब्वियसली क्वाइट ऑब्वियसली इट इज अ थिंग, मतलब इट कैन एक्चुअली गिव यू प्रीटी गुड मनी. So you guys can do that if you want. During your journey, you liked it so much. Everybody was connecting with you. So yeah. Why do you feel like अब जाके ऐसा कुछ ऐसा क्या हुआ है जो तुम्हें ऐसा feel होता है कि you should not? यार, I honestly love every single person who is following me, who watches my videos, जिसकी वजह से मेरी videos पे views आते हैं, जो लोग मुझे support करते हैं. I love the part where I have to share my life, क्योंकि मैं आप लोगों को अपनी एक होते हैं ना एक सोशल एक्सटेंडेड फैमिली, आप लोग लिटरली मेरे लिए वैसे हैं. आई रियली मेरे दो दिल हैं, ठीक है, इस वक्त एक दिल कहता है कि सब कुछ शेयर कर दो, दूसरा दिल कहता है कि यार फेक एक्सपेक्टेशंस लोगों के लिए ना रखो, ना सेट करो. हालांकि मैं इंटेंशनली ऐसा कुछ नहीं करती. मैं मेरे जो व्लॉग्स होते हैं ना, मेरे दोस्त हैं, मेरे आसपास जो लोग हैं, वो कहते हैं यार तुम जैसी हमारे सामने बैठी हो, तुमने इसी तरह बैठी वीडियो बना ली है, तुम मतलब तुम कुछ सेट नहीं करती, तुम कुछ लिखती नहीं हो अपने पास. मैंने कहा यार इट्स जस्ट दैट हु आई एम. और मैं आप लोगों को अपना इतना क्लोज समझती हूँ कि मुझे इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता. मेरे पे कोई स्कैंडल बनता है, जो मर्जी बनता है, मैंने आई डोंट केयर. मैंने दी गाली अपनी दोस्त को दी, यस शी यू नो आई वुड अब्यूज हर फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, बिकॉज दिस इज हाउ यू शो लव टू योर फ्रेंड्स, राइट? आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट जैसी मैं हूँ वैसे ही आप लोग मुझे वैसे ही जानते हैं. और दूसरा ये कि फिर दूसरी तरफ मैं ये कहती हूँ कि यार इतना ज़्यादा नहीं शेयर करना चाहिए, क्योंकि यार आई थिंक नज़र इज़ रियल यार. बहुत चीज़ों को नज़र लगती है, बहुत आपकी प्यार की नज़र भी लग जाती है यार. और 300K+ लोग, ठीक है, मुझे फॉलो करते हैं, दे नो अबाउट मी. और मेरी ओवरऑल टोटल मिला के वीडियोज़ पे 10 million, 20 million से ज़्यादा व्यूज़ हैं, ठीक है, सारी वीडियोज़ पे. विच मीन्स कितने लोग, 20 lakh लोगों से ज्यादा लोग जानते हैं इन चीजों को कि जो मैं करती हूँ अपनी लाइफ में. विच इज नॉट कम्फर्टेबल फॉर यू, नॉट कम्फर्टेबल, विच इज नॉट. आई थिंक मुझे सिक्योरिटी इश्यूज भी स्टार्ट हो गए, क्योंकि जिस तरह के पाकिस्तान के हालात है ना, आई जस्ट फील लाइक इफ आई एम शेयरिंग एवरीथिंग एंड एवरीबडी नोज माई एड्रेस एंड एवरीबडी नोज वेयर आई स्टडी, एवरीबडी नोज वेयर, सो आई फील लाइक इट्स जस्ट अ ह्यूज इशू. अब अ लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कि यार हुस्ना क्यों नहीं स्कूल जाती, किधर जाती है, वो कहाँ होती है, आप कैसे काम करती हो, बट आई कैन नॉट टेल कि उसकी क्या पर्सनल लाइफ है, बिकॉज आई एम इनसिक्योर. मेरी बेटी है, वो आई हैव टू प्रोटेक्ट हर. सो एक तो ये सिक्योरिटी वाला बहुत सीरियस इशू है. दूसरा मैं कहती हूँ कि यार बंदे को ना नजर इज रियल यार, इट इज रियल यार. मेरे साथ जो कुछ हुआ है ना, मतलब पिछले दिनों में मैंने जिस किस्म की जिंदगी गुजारी है ना, इट वॉज मिजरेबल.
आज कैमरा भी टूट गया, आज कैमरा भी टूट गया, ठीक है। मैंने उससे थोड़ी देर पहले बस यही सोच रही थी, यही सोच रही थी कि कितनी अच्छी वीडियो बन रही है, और लिटरली तब वो मैंने इसको कल की तीन ऐसी बातें बताई हैं जो मेरे सामने हुई हैं, ठीक है। लाइक तुमने लोगों को नजरें लगाई हैं, मैंने लोगों को बुरी तरह नजरें लगाई, आज तुम्हें अपनी नजर लगी, आज मुझे अपनी नजर लगी। मैंने पता है मेरे साथ क्या हुआ है, माय फ्रेंड वाज रीडिंग समथिंग, आई टोल्ड हिम कि तुम बहुत साफ लग रहे हो, एंड सारा उसके कपड़ों पे गिर गया। फिर क्या हुआ, एक लड़की थी उसने ब्रेसलेट पहना हुआ था, और आई सेड वाओ माशाल्लाह उसका ब्रेसलेट कितना प्यारा लग रहा है, कितनी अच्छी लग रही है, शी फेल डाउन लिटरली आउट ऑफ नोवेयर, वो बंदी खड़े खड़े गिर गई। एक गाड़ी जा रही थी, मैंने कहा वाओ ओ माय गॉड दिस कार इज सो प्रिटी, माँ तक मैंने बोला इंशाल्लाह कहने की देर थी, वो गाड़ी ऐसा हिट हुई है ना। मैंने कहा यार व्हाट इज दिस हैपनिंग, माय फ्रेंड्स जस्ट लेफ्ट मी देयर, दे सेड कि यार आज तुम बहुत मनहूस हुई हो, पनौती हुई हो, तो हमने तुम्हारे साथ जाना नहीं रहना। वेर यू हैप्पी फॉर थ्री ऑफ देम? यार आई वाज एक्चुअली हैप्पी पहले, बट जब ऐसा नजर लगी तो मैंने कहा यार व्हाट, अपने आप पे डाउट होने लगी, मुझे अपने आप पे डाला कि मेरे दिल में कोई ऐसी, मैंने बोला कि यार तुम कितनी ये लड़की प्यारी लग रही है, इसने ब्रेसलेट, अब आप मैं तो नहीं कह रही कितनी बुरी लग रही, काश ब्रेसलेट मेरे पास होता, दैट वाज नॉट बुरी नजर, आई सेड गुड वर्ड्स अबाउट हर, बट स्टिल शिट हैपेंड, सो आई एम जस्ट अफ्रेड ऑफ दैट, बिकॉज मेरी लाइफ में जो इश्यूज इग्नाइट हुए हैं ना खुद से, जो यूं करके पैदा हुए, वो होना नहीं बनता था, ठीक है। सो आई जस्ट फील लाइक शायद प्यार की नजर लग गई, एंड आई हैव टू बी अ बिट यू नो प्राइवेट, एवरीबॉडी सेज, ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स दे से दैट यू आर अमेजिंग, लाइक वी हैव नेवर मेट एन अमेजिंग पर्सन एज अमेजिंग पर्सन, टेल योर फ्रेंड्स टू लिव विद यू फॉर 19 इयर्स, माय फ्रेंड्स देन दे कैन फॉर्म एन ओपिनियन। यार आई हैव लाइक फ्रेंड, मेरे जो दोस्त हैं वो 10-10 साल पुरानी दोस्तियां हैं, वो ऑलवेज बीन देयर, हैव दे लिव्ड विद यू, डू वी हैव टू लिव विद ईच अदर, यस नाइस टू, तब तो मेरी बहन है, तुम्हारा मैं मुंह तोड़ दूंगी, अच्छा मैं दोस्तों के मुंह नहीं तोड़ सकती, यू नो देम शमाइला, तब मैं पास में तो बहुत बुरी होती थी, अब मैं अच्छी हो गई हूं, तब मुझे तो वही हिस्सा मिला है ना तुम्हारा रहने के लिए। यार ये कितनी बुरी बहन है यार, मैंने नहीं कहा कि तुम बुरी हो, मैं अब क्यों बैठी हूँ तुम्हारे साथ, कुछ है ना दोस्ती है तभी बैठी हूँ तुम्हारे साथ, क्या But, बात कर रही हो यार, मैं हर किसी को कहती हूँ मेरी बहन मेहताब है, उससे बेहतर कोई बंदा मेरी जिंदगी में नहीं मिला, ये कह रही है नॉट नाइस, यू जस्ट जस्टिफाइड, तो मुझे भी तुमसे बेहतर बंदा कोई नहीं मिला, मैंने कब कहा मुझे तुमसे बेहतर बंदे बहुत मिल गए हैं जिंदगी में, नहीं मिला ना कोई, नहीं मिला। देखो बेशक मैं तुम्हें जितना भी डांट दे, मेरी छोटी बहन है, मैं इसका मुंह भी तोड़ सकती हूँ, ये भी गलत काम करेगी, वैसे तो गलत काम मैं करके इस पर डाल लेती, लेकिन यार आई एम नाइस ऑनेस्टली टेलिंग यू गाइस, इफ शी डजंट नोटिस इट और फील इट दैट्स फाइन, बिकॉज़ आई बीट द शिट आउट ऑफ हर, शी इज माय यंगर सिस्टर, बट ऑनेस्टली टेलिंग आई एम एन अमेजिंग पर्सन, इट्स जस्ट दैट आई एम वर्किंग ऑन बिकमिंग अ नाइसर पर्सन। हाउ लॉन्ग यू नीड, कितना टाइम चाहिए? आई नीड अनदर लाइफ टाइम टू बिकम अ नाइस। यार असल बात है, कितना वेट करें वो लोग जा रहे हैं, उनके साथ मैंने कुछ बुरा नहीं किया, आई लव देम, ओके, लव इज द वर्ड दैट्स मेड फॉर देम, आई लव देम, ओके, पता है बात क्या है, मैं मेरा सेल्फ लव बढ़ता जा रहा है और मेरी अवेयरनेस फॉर अदर पीपल कम होती जा रही है, इट्स जस्ट दैट पीपल वर हेयर पहले एंड आई वॉज हेयर एंड नाउ आई हैव रियलाइज दैट देयर इज नो पॉइंट इन गिविंग सो मच वैल्यू टू पीपल, देन यू जस्ट हैव टू गिव वैल्यू टू योरसेल्फ, एंड नाउ माय सेल्फ लव इज हेयर एंड लव फॉर पीपल इज लिटरली ऑन जीरो एंड मे बी इट्स गोइंग इन द नेगेटिव साइड, सो आई जस्ट वॉन्ट टू बैलेंस एवरीथिंग, ठीक है सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंसान सेल्फ एब्जॉर्ब्ड और सेल्फ ऑब्सेस्ड हो दैट इज नॉट अ गुड थिंग, एंड आई एम जस्ट मेंटली नॉट वेयर आई शुड बी, so I'm working on it. Where are you mentally? I'm self obsessed. Where do you want to be mentally? I want to be self obsessed. That's where you are. I want to be self obsessed and I also want to love people. Oh. But पता है. That's very hard. You cannot be both. तो मैं एक बात बताऊँ था वो. Are you a narcissist? I'm not. I take opinions. I take opinions. I didn't say anything to it. मजाक कर रही हूँ. I'm not a narcissist. You take opinions, but do you consider them as well? I do. When I have to take decisions, obviously I do. But पता है बात क्या है? Honestly, मैंने just think about it often. हाँ, I do think about it. Did I just make you think about it? नहीं. Yeah. So आप लोग मेरे लिए दुआ करें. इस इंसान के लिए भी दुआ करें कि इसकी YouTube पे जर्नी अच्छी हो, soft हो, easy हो. Or soft, exactly. It has it to not be harsh. Yeah. It when it becomes harsh, you can't live with that, yaar. And honestly, obviously, yeah. That's one downside of it. Yes. Or honestly, I have seen so much harsh shit. I cannot even tell you guys. लेकिन मैं मेंटली बहुत स्ट्रांग हूँ इसलिए मुझे तब फर्क नहीं पड़ता कोई कुछ भी बोलता रहे, लेकिन ये मर जाएगी, ये मर जाएगी. तो मैं अल्लाह ताला से यही दुआ कहती हूँ कि यार जॉब जो भी होती है मुश्किल होती है, ठीक है. आप ऑफिस में जाते हो, मैंने ऑफिस में भी जॉब्स करके देखी हैं, दे आर सो हार्ड, मतलब बहुत मुश्किल है यार. और
यूट्यूब को जो लोग समझते हैं ना कि इट्स ईजी, इट्स जस्ट अ जॉब, यू जस्ट मेक अ वीडियो, जस्ट अपलोडेड एंड यू मेक मनी, इट्स नॉट लाइक दैट एट ऑल. देयर इज अ कंप्लीट टीम वर्किंग ऑन इट यार, एंड यू हैव टू प्लान कंटेंट, यू हैव टू डू स्टफ, देयर अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो इट्स नॉट दैट ईजी जितना लोग समझ रहे थे. सो आई जस्ट वॉन्ट कि आप लोग न्यूट्रल होकर थोड़ा सोचा करें. 10 मिनट की वीडियो में बंदे की पूरी जिंदगी 24 घंटे नहीं शो होते. और दूसरा ये कि मैं अपने बिहाफ पे भी रिस्पॉन्सिबली बिहेव करूँगी. अगर मेरी किसी चीज़ ने आप लोगों को हर्ट किया तो प्लीज़ माफ़ कर दें, मैं क्योंकि आई एम किलिंग माई ईगो, सो आई एम जस्ट सेइंग सॉरी. और अगर तुम्हें अगर मेरी किसी चीज़ ने हर्ट किया तो आई एम सो सॉरी, ऑल्दो आई कैन नॉट से सॉरी टू हिम, बट आई एम सो सॉरी, व्हाटएवर, जस्ट किडिंग, एक सॉरी बोल के सब ठीक. तुझे जानू क्या चाहिए, तू मेरी जिंदगी ले ले, मुझे नहीं चाहिए अपनी शिट जिंदगी. खैर इट्स ओके, जो भी मसला है अल्लाह की तरफ से. मेरे लिए अगर मेरा रिलेशन अल्लाह के साथ अच्छा है ना, जो कि आप लोगों को नहीं पता अच्छा है बुरा, बट आई नो मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होगा, कुछ बुरा नहीं होगा, बिकॉज आई हैव फेथ इन गॉड, दैट्स इट. आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, दैट्स इट. सो या, सो आई होप आप लोगों ने मेरी बात समझी हुई. आज तो मैंने इतनी दिल से दिल वाली बातें की हैं. और टेक केयर ऑफ योरसेल्फ्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, इसके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और इंशाल्लाह कुछ डिफरेंट कॉन्टेंट के साथ मैं आऊँगी. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ्स एंड अल्लाह हाफिज़.